ये तो नाग है। बाप रे, हम लोग तो बच गए इसी रास्ता से। हाले फिलहाल में तो मम्मी रस्सी समझ के उसको उठा रहे। तो जी पहुंच गए जिया के नानी घर, और जिया यहाँ पर जो है यहाँ भी खूब घूमी है, लेकिन जिया को कहे थे अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए ताकि जिया भी अपना नानी घर दिखाए अपने नजरिए से, लेकिन ये ज्यादा रिकॉर्ड की नहीं है। तो जिया का जो है कुछ वीडियो रिकॉर्ड है तो जिया के चैनल पर आएगा। जिया का चैनल आप लोग देख लीजिएगा, उस चैनल का नाम है शाश्वत जिया व्लॉग, तो वहाँ पर जाइएगा और जिया आपको अपना मायका दिखाएगी। आपको पहचानता है इसको खाना देते हैं तो। अच्छा, एक बार ऐसा करना सारे फैमिली मेंबर से एक बार इंट्रोडक्शन करवा देना सब। तो यहीं पर तो दो लोग हैं ही, यहाँ पर है भाभी और ये मामी। अच्छा, इकलौती भाभी भी। अभी हम लोग तो चल रहे हैं कहीं घूमने जी, प्लांट जा रहे हैं देखने। तो हम लोग जी चल रहे हैं यहाँ से प्लांट, और तो देखते हैं जी राइस मिल कैसा होता है, वहाँ जा करके देखेंगे। तो जी हम लोग जा रहे हैं बीच रास्ते में और काफी है हरा भरा यहाँ पर लग रहा है नजारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और जिया कुछ बता रही थी इधर के बारे में। अच्छा, सारा अपना ही है, मामा जी का। यहीं से बैगन तोड़ी थी। अच्छा, उधर है बैगन सब। यहाँ पर बवा जो है गेट को खोल रहा है और हम लोग घुस रहे हैं प्लांट के अंदर, और अभी तो यह एक स्टोर रूम के तरह बना हुआ है, चालू नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ मशीन सब था वो राइस मिल, लेकिन अभी काम नहीं चल रहा है यहाँ क्योंकि रोड इधर तक अभी तक नहीं आया है। चलो जिया चला एक दो मशीन। तो यहाँ तो देख रहे हैं मशीन जी, एक बार समझा देते हैं जो भी मैंने समझा हुआ है। पीछे जो आप मशीन देख रहे हैं जी, इसी में डाला जाता है धान को, और जैसे धान को डाला जाता है भूसा होता है उसका जो बुरादा होता है वो चला जाता है उस साइड, और जो चावल है वह बिल्कुल एकदम पाइप से फ्रेश होकर के उधर से निकलता है ना। शायद दिखा देते हैं वो कहाँ से निकल। फिर उसके बाद जो भी चावल होता है जी, वहाँ जो आप पाइप देख रहे हैं वहाँ नीचे कुछ बिछा दिया जाता है, मतलब जो भी कंटेनर कह सकते हैं वहाँ पर रख दिया जाता है, वहीं पर चावल आता है। ऑब्वियसली धान से ही चावल बनेगा। यहाँ चिड़िया सब का भी घर हो चुका है अच्छा खासा। अच्छा, उसमें खाना डालते हैं वो जो है। हाँ, यहाँ रोशनी के लिए उस तरह का डाला गया है चदरा। A few moments later. तो यहाँ पर जी हो गया घुमा हुआ और अब सीधा चल रहे हैं घर की तरफ। जल्दी से अब नहाना है, फ्रेश होना है, उसके बाद तैयार होना है और निकल जाना है जिया के घर की तरफ। फिर जिया के घर में जो आज हमारा स्टे होगा, सोचे था कि आज ही कटिहार निकल जाएंगे, लेकिन क्रियांश को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वह थोड़ा परेशान करने लगता है इतना लंबा ट्रेवल में, तो इसीलिए जो है थोड़ा स्टे करके ही चलेंगे क्योंकि घर पर एक कुछ काम मेरा फंसा हुआ है। इतना जल्दी निकल सकते निकलना पड़ेगा। और क्रियांश का जो है नींद पूरा हो गया है, उठ गया ये, धूप लग रहा है इसीलिए इधर नहीं दिख रहा है। वही क्रियांश, क्या हाल है? बोला नहीं बात। क्या हाल है क्रियांश? बोला नहीं बात। वेट वेट वेट, वेट, वेट। क्या हाल है? क्या हाल है? One hour later. जी अभी हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में और यहाँ से हम लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बाबू? मत्स्यगंधा जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ क्या क्या करना है? बोटिंग सब करना है। ठीक है, चलते हैं तब। और भाई साहब भी साथ चल रहे हैं? कोई देखा है? हम लोग को नहीं देखा है। अच्छा, यही दिखाएंगे सब कुछ? हाँ, तो चेहरा आ गया ना जी। हम लोग तो कब के तैयार हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे। बस देरी हो रही है जैसा कि उम्मीद है, जैसा कि हमेशा रहती है लेडीज डिपार्टमेंट को। हाँ जी, तो जिया को थोड़ी सी देरी लग रही है, उसी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या बोल रही है? सनरूफ को खोल ले। हाँ, खोलो खोलो, इसको सनरूफ खोलना है। ऊपर की ओर नहीं खुल रहा है, रुक जाओ देखते हैं। तो फाइनली जी जिया आ गई है और सभी लोग आ गए हैं, तो अब चलते हैं। A few moments later. तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी जा रहे हैं इधर से। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग मत्स्यगंधा पहुंच चुके हैं। रोड थोड़ा सा तो मिला चैलेंजिंग रोड, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंच गए हम लोग यहाँ पर। और अभी शाम के बज रहे हैं, शायद कितना बज रहा जी? आप 5:30 बज रहा होगा? नहीं, 5 बज रहा है। तो 5 बजे पहुंचे हैं, उम्मीद करते हैं कि बोटिंग चालू ही रहे, वरना थोड़ी सी तो निराशा होगी कि इतना दूर आ गए। अच्छा, हाँ देख रहे बोटिंग करते हुए, लेकिन लगता है कि हमारे पास समय मुश्किल से हाथ में 1 घंटा 1.5 घंटा इसी के करीब है, इसलिए जा रहे हैं। और सबसे पहले बोटिंग ही करना है, पहले बोटिंग करके ही फिर कोई दूसरा एक्टिविटी किया जाएगा, वहाँ देखा जाएगा। चलते हैं वहाँ पर। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं लेक के पास, यहाँ है बुकिंग काउंटर और जाते हैं यहाँ पर टिकट कटाते हैं। 1 2 3 4 3 7 7 आदमी। नाम बताइए? कुमार शाश्वत। और ये लाइफ जैकेट पहना के बैठाएगा सर? यहाँ तो लगता नहीं कि नहीं पहनाता है। एक जो पलटन है वो स्नो में जा चुके हैं और अब यहाँ पर दूसरे पलटन हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। देखिए टिकट भैया। बाबा जाओ, मामी जी को डर लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर हम ड्राइवर बने हुए हैं जी, गाड़ी में भी हम ही ड्राइवर हैं और यहाँ भी हम ही ड्राइवर बन गए हैं। बाकी आ गए, हम साड़ी पहन के आ गए। यहाँ भी पैडल ही मार सकती है। हाँ। बउआ जो है वो क्रियांश को लिया हुआ है। क्रियांश भी मजे में पानी के बीच में और हम लोग जी मजा ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ। आधा घंटा का समय दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा करें तो कर सकते हैं,
लेकिन तब तक जो है अंधेरा हो जाएगा। चलिए उन लोगों के पास चलिए तो मजा आएगा। तो हम लोगों को अभी चलना है उन लोगों के पास, देखिए ये देख सकते हैं इन लोग स्वामी जी को पूछेंगे जाकर, डर लग रहा है। अब मेरा बेटा दिखाओ क्रियांश को, क्रियांश आराम से अपना घूम रहा है। और ये देख सकते क्या आ गया था, देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, टकरा देंगे तो क्या होगी, होने वाली है टक्कर, जोरदार टक्कर। मम्मी जी डर, मम्मी डरा कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है। हम बोटिंग करते करते जी हम लोग आ गए हैं सब साथ में, टाइम हुआ है 5:20 और हम लोगों के पास नहीं लग रहा है, आराम से ऐसे ही चलो सब साथ साथ, ठीक है। ये तो मजा में है क्रियांश। 20 minutes later हमने तो बोटिंग कर लिया जी, हमारा नाव इधर लग चुका है और अब बारी है इन सभी की, तो वो सभी आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ लगेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे। इधर देख सकते हैं जी ट्रेन भी बगल से आ रही है, बगल में ही पटरी है जहाँ पर हम लोग बोटिंग करते हैं। तो बोटिंग तो कर ली जी, उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं यहाँ मंदिर के पास और अंदर चलते हैं और जा करके माता के दर्शन करते हैं। तो हम लोग जी अपना शू उतार करके यहीं पर सभी लोग रख रहे हैं, यहाँ पर ही शू स्टैंड है। तो हम लोग जी मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है मूर्ति का फोटो लेना मना था, मना है, तो इसीलिए हम लोग वहां पर नहीं लिए। तो हम लोग बाकी जगह पूजा कर रहे हैं, जो भी दिखा सकते हैं आप जरूर दिखाएंगे। जो है काफी खूबसूरत है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है काफी अच्छा लगा जी। और देख रहे हैं पीछे, अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा सिनेमेटिक शॉट में, यहाँ पर एक वीणा का आकार बना हुआ है, वहाँ जो है ना वीणा का जहाँ पर बेस है वहीं पर सरस्वती माता का वहाँ पर मूर्ति भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया जी मंदिर दर्शन किया हुआ, इसके बाद अब बारी है घर जाने की, क्योंकि शाम भी काफी ज्यादा हो चुका है और क्रियांश रो भी रहा है, तो क्रियांश को लग रहा है भूख लगी है काफी तेज। बगल में ही घर है 20 मिनट के रास्ते पर, तो सीधा चलते हैं हम लोग वहीं पर। हम लोग जी आए हैं अभी घूम करके, और जैसे ही घूम करके आए, ये तो नाग है, मारे नीचे मारती है तो मैं इतना पतीता है, बाबर हम लोग तो बच गए इसी रास्ता से। आप गेट खोले, हाल फिलहाल में तो मम्मी रस्सी समझ के उसको उठा रहे, तो महाशय इसको भगाया जा रहा है लेकिन ये भागने का नाम नहीं ले रहे हैं, बच्चे हैं ना वो अपने माँ से बिछड़ गए होंगे। रहो मत जाओ ना, इधर मत करिए, गेट के नजदीक नहीं आने दीजिए, उधर जाने नहीं चाह रहा है, घुसियाना चाह रहा है उसमें, हम देख रहे हैं यहीं से ये डंटा। तो जी हम लोग घूम करके हम लोग आए हुए थे जस्ट, और यहाँ पर जो सब लोग मोमोज अपना खाए, मोमोज खाने के बाद जो है यहाँ आने लगे कि हमारी जो गाड़ी का जो लाइट था वो ऑन था, बाबा ने कहा कि जीजा जी लाइट ऑन है आप जा करके लाइट बंद कर दीजिए, तो क्या हुआ फिर जाने लगे, फिर जैसे ही जाने लगे एक गेट था लगा हुआ जो बाहर आने का गेट है, उस गेट को जैसे खोले वैसे ही जो हम तो चले गए, फिर बाबा का देखा हुआ कहता है जीजा जी सांप है यहाँ पर, सांप है सांप है, हम सोचे वैसे ही कुछ बोल रहा है ये, तो हम जो है डर के मारे जो आ भी नहीं रहे, लेकिन इसको इतना हिम्मत कि वहीं पर बगल में खड़ा हुआ है, सोचो इतना हिम्मत है इसके पैर के बगल से जा रहा है ये चीज। तब उसके बाद जो है ये देखा कि ट्रंक के अंदर गया हुआ है, फिर उसके बाद जो है सभी लोग आए और डंडा लेकर के उसको निकाले, और सभी लोग का यह था कि सांप को जो है बिल्कुल भी मारना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है बिल्कुल हमें नाग लग रहा है, क्योंकि एक फन टाना हुआ और वहाँ पर दो जो निशान होता है गले के पर गल्फर पर वह सब था, तो हमें तो प्रॉपरली नाग ही लग रहा है, तो नाग देवता को यहाँ पर कोई भी नहीं मारते हैं, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और वो उस साइड से जा ही नहीं रहे, वो बैठा अच्छा जा भी नहीं रहे, सभी लोग आ गए हैं।
नेक्स्ट डे। तो जी कल हम लोग घूम लिए मत्स्यगंधा मंदिर और उसके बाद जो है रात में आ गए थे और अब बारी है यहाँ से विदाई की। तो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफी अच्छा लगा सभी के साथ समय बिता। और यहाँ क्रियांश जो है अपने नए पोशाक में है। ओए क्रियांश, मामा पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मामा के पास से। अच्छा उमंग भी लेगा इसको। वाह भैया, नहीं जाने का दिल है ना। कौन घूमने लेके जा रहा है? दादी मारेगी तो बोलेंगे कि अपने रह गया। हम क्या करें, दादी मारेगी मेरी, क्या करूं। बाबा जी मारे। ओए जाएंगे मामा जी के पास से। ना मामा जी के पास से नहीं जाएंगे। बाय, चलो मामू की गोदी से कहीं नहीं। ओए होए होए होए, दादी चलो इंतजार कर रही है तुम्हारा। दादी का फोन आता है, मन नहीं लग रहा है इसके बिना। चलो बैठ जाओ सब। अच्छा इधर से कुछ बैठ जाओ।